अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम आपके साथ बर्गर की रेसिपी शेयर करेंगे। इसके लिए हमने चिकन ले लिया है जो कि बोनलेस है, उसमें रेड चिल्ली ऐड की है, नमक ऐड किया है, ब्लैक पेपर ऐड किया है, साथ साथ हमने ऐड कर दिया है चाइनीज़ सॉल्ट। अब हमने ऐड कर दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये बहुत ज़रूरी है चिकन बनाने के लिए क्योंकि इससे जो है चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाती है। फिर हमने दही ऐड किया और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह और फिर मैरिनेट करके इसको साइड पर रख देंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसको मैरिनेट करके साइड पर रख देंगे। फिर जब चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएगा 20-25 मिनट बाद, इसको कढ़ाई में डालकर अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, साथ ही चिकन ऐड कर देंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे, चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि चिकन जो है वो नीचे ना लगे। फिर हमने टेस्ट किया था चिकन, तो हमें मसाले थोड़े कम लग रहे थे, तो हमने यहाँ पर तिक्का मसाला ऊपर ऐड कर दिया है थोड़ा बहुत, और इसको फिर दोबारा अच्छे से मिक्स कर देंगे। चिकन का जो पानी निकलेगा उसी पानी में इसको पकने देना है। अब यहाँ पर हमने क्रीम ऐड किया, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और जूसी हो जाता है चिकन। फिर हमने ऐड की है चीज़, फिर इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे चिकन के साथ, और जब गर्म होगा चिकन तो ये अच्छी तरह से मर्ज हो जाएंगे। अब यहाँ पर बर्गर का सॉस तैयार करेंगे। उसके लिए हमने सबसे पहले मायोनीज डाली है, फिर केचप डाली है, और फिर हम मस्टर्ड सॉस इसके अंदर ऐड करेंगे। ये सॉस बहुत मज़ेदार थी और बनाना भी बहुत आसान है। फिर हमने ऐड किया है ब्लैक पेपर और थोड़ा सा ओरिगैनो, साथ ही हमने थोड़ा सा जो है वो गार्लिक पाउडर भी ऐड कर दिया। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं लेकिन बहुत अच्छा लगता है ये। फिर इस सॉस को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अब असेंबलिंग का टाइम आ गया है। सबसे पहले हमने बन लिया, उसको थोड़ा सा सेक लिया, ब्राउन सा थोड़ा सा कर दिया, फिर उस पर अपनी बनाई हुई सॉस लगाई है। अब यहाँ पर चिकन चीज़ वाला जो है वो चिकन हमने लगाया जो पहले बनाना सिखाया था आपको। फिर हमने थोड़े से सॉटे किए हुए ऑनियन ऐड किए हैं इसके ऊपर, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं, कच्चे प्याज अच्छे नहीं लगते। तो फिर हमने इसको बर्गर को बंद कर दिया है। काफ़ी सारे बर्गर हमने बनाए थे और सब लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।